हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ वो आप लोग थंबनेल लेके जाने गए हो, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैं आपके साथ 10 सिम्टम्स शेयर करूँगी जो कि मुझे अपनी फुल प्रेगनेंसी मुझे हुए थे। और आप में से कई लोग जानते होंगे जो मेरे वीडियो को मतलब मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो किए हो, वो जानते होंगे कि मुझे एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है जो कि अभी 3 मंथ का है। तो मैं अपना जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मुझे खुद सिम्टम्स हुए थे अपनी प्रेगनेंसी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरे इस टाइप के वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, प्यार दे रहे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और उसको भी आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, उम्मीद करती हूँ जिस उसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए, मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो मुझे क्या होने वाला, मुझे वो सिम्टम्स हो रहे हैं तो मुझे क्या होने वाला, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी अभी अभी माँ बनी हूँ, मेरे अंदर ये सारे क्वेश्चन भी आते थे कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आई, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन मेरे ये मेरे चैनल को फॉलो कर रही हैं, मैं उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ कि आप लोगों की क्यूरियोसिटी को शांत किया जाए और थोड़ा इन्जॉय किया जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी टॉपिक पे ही वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं डेली ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे प्रेगनेंसी टॉपिक के वीडियो को पसंद कर रहे हो और लेकिन जो मैं डेली ब्लॉग कर रही हूँ उसमें आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे डेली ब्लॉग को भी प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। और मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लेके आती रहूँगी और डेली ब्लॉगिंग भी लेकर आऊँगी, तो आप लोग भरपूर प्यार दीजिए उसको भी। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला सिम्टम्स है हमारा FHR। FHR बोलते हैं जिसका 140 के एवव रहता है तो बोलते हैं बेबी गर्ल होती है, और जिसका 140 के बिलो रहता है तो उसको बोलते हैं बेबी बॉय होता है। लेकिन मैंने ज़्यादातर केसेस में ये देखा है कि स्टार्टिंग में जो FHR होता है वो सबका 150-160 ऐसे ही आता है। मेरा भी आया था 150 कुछ करके था। उसके बाद में जो मेरे लास्ट टाइम में अल्ट्रासाउंड हुए हैं तो उसमें धीरे धीरे कम होता गया है, और सबसे लास्ट अल्ट्रासाउंड में मेरा 140 के नीचे था, 138 या 39 करके था। तो ये मेरे केस में बिल्कुल सही बैठा हुआ है कि मेरा 140 के बिलो गया है, उसके बाद मुझे बेबी बॉय हुआ है। सेकेंड सिम्टम से हमारा प्लेसेंटा। बोलते हैं प्लेसेंटा पोजीशन जिसका पोस्टीरियर रहता है उसको बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में क्या हुआ है, मुझे स्टार्टिंग में मेरा जो प्लेसेंटा था वो एंटेरियर था, और 2 अल्ट्रासाउंड में मेरा एंटेरियर ही आया है, लेकिन जो मेरा थर्ड पोजीशन पोस्टीरियर के बाद 4th अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें मैं मान सकती हूँ कि ये सिम्टम्स मेरे में बिल्कुल सही बैठा हुआ है। हमारा तीसरा सिम्टम्स है नेवल यानी नाभि। बोलते हैं नाभि जिसकी प्रेगनेंसी में बाहर साइड निकल आती है तो बोलते हैं उन्हें बेबी बॉय होता है, और जिसकी अंदर साइड घुस जाती है बिल्कुल पेट के तो उसको बोलते हैं बेबी गर्ल होती है। तो मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ऑब्वियस हो कुछ और होता होगा, लेकिन जो मैं सुनती हूँ तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी भी जो नाभि थी वो बाहर साइड निकल आई थी। तो मेरी ये मुझे कम से कम 3-4 मंथ से मेरी नाभि थोड़ा सा बाहर मुझे शो होने लगी थी, और एंड टाइम में मेरे 9 मंथ में तो अच्छी खासी नाभि मेरी बाहर दिखने लगी थी, तो ये भी मैंने सुना हुआ था। चौथा सिम्टम से हमारा मॉर्निंग सिकनेस। तो बोलते हैं जिसको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है उसको बेबी गर्ल होता है, और जिसको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है प्रेगनेंसी में उसको होता है बेबी बॉय। तो ये मेरे केस में तो 100% सही गया है कि मुझे इस बार की प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के टाइम में मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं हुई है, जबकि मुझे बेबी गर्ल के टाइम में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हुई थी। हमारा पांचवा सिम्टम्स है लेनिया। बोलते हैं जो पेट के ऊपर एक लाइन आती है प्रेगनेंसी के टाइम में, सीने के नीचे से नाभि के नीचे तक जाती है बिल्कुल, वो लाइन अगर बोलते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है और अगर डार्क है तो बेबी बॉय होता है, वही लाइन अगर लाइट है और जिगजैग में है मतलब टेढ़ी मेढ़ी तो बेबी गर्ल होती है। तो मुझे ये लाइन इस बार बिल्कुल डार्क थी और बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो हमारा छठा सिम्टम्स है फेस का ग्लो। तो बोलते हैं बेबी बॉय के टाइम में फेस काफ़ी ग्लो करने लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और बेबी गर्ल अगर आपने कंसीव किया है तो आपका फेस
काफ़ी डल हो जाता है। तो मेरा भी बेबी बॉय के टाइम में फ़ेस काफ़ी ग्लो करने लगा था और बेबी गर्ल के टाइम में मेरा फेस डल हो गया था। हमारा तो 7वां सिम्टम्स है क्रेविंग बोलते हैं। बेबी बॉय के टाइम में काफ़ी खट्टा और तीखा खाने का मन करता है, बेबी गर्ल के टाइम में मीठा खाने का मन करता है। तो मुझे भी बेबी बॉय के टाइम में, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि मुझे पूरी प्रेगनेंसी खट्टा तीखा ही खाने का मन किया है। लास्ट 9 मंथ में मेरा थोड़ा बहुत फिर भी मैं मीठा खाने लगी थी, मतलब कभी कभार, लेकिन स्टार्टिंग के जो मेरा फर्स्ट ट्रिमेस्टर था या सेकंड ट्रिमेस्टर था तो मैंने बहुत ही खट्टा तीखा चटपटा खाया है। और हमारा 8वां सिम्टम्स है बेबी मूवमेंट। तो बोलते हैं बेबी बॉय राइट साइड मूवमेंट करता है, तो मेरे भी फुल प्रेगनेंसी मुझे अपनी मूवमेंट, अपनी बेबी की मूवमेंट राइट साइड ही फील हुई है, तो ये भी मेरे केस में सही है। और हमारा 9वां सिम्टम से बेबी बम्प यानी पेट का आकार जो होता है वो, अगर बोलते हैं चारों तरफ से फैला हुआ है, अगर आपका पेट का आकार चौड़ा है तो बेबी कर्ल होती है, और अगर आपका पेट का जो शेप है, बेबी बम्प का जो शेप है, वो अगर पॉइंटेड है, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब सीधे सामने की ओर है और नीचे साइड में है, तो बेबी बॉय होता है। तो मैं अपनी बात करूं तो मुझे बेबी बॉय के टाइम में मेरा पेट बिल्कुल पॉइंटेड था, बिल्कुल मतलब चारों तरफ से फैला हुआ नहीं था, लेकिन ऊपर था, नीचे नहीं था। बोलते हैं नीचे होता है तो बेबी बॉय होता है, लेकिन मेरा नीचे नहीं था लेकिन था पॉइंटेड। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल सही गया है कि मेरा पेट चौड़ा नहीं था, बिल्कुल पॉइंटेड था। और हम अपना लास्ट सिम्टम्स आपके साथ शेयर करते हैं, जो हमारा 10वां सिम्टम्स है वो है कि बोलते हैं बेबी मोमेंट, बोलते हैं बेबी गर्ल जो होती हैं वो मतलब एक्टिव होती हैं, बेबी बॉय आलसी होते हैं, लेज़ी होते हैं। तो बोलते हैं बेबी गर्ल अगर आपने कंसीव की है तो उसकी मोमेंट जल्दी होती है और बेबी बॉय लेट मोमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने दूसरों के मुँह सुना हुआ, मेरा पर्सनली कुछ वो नहीं है, जो पर्सनली मुझे हुई हैं चीज़ें वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ये बोलना कि आप तो गलत बता रहे हो, ये बता, जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ और जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे बेबी बॉय के टाइम में, मतलब मुझे इस प्रेगनेंसी में मेरी मूवमेंट काफ़ी लेट हुई है। 6 मंथ से मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्ट हुई है, 7 मंथ में अच्छी खासी होने लगी थी। और बेटी के टाइम में मुझे ध्यान है अच्छे से, बेटी के टाइम में मुझे मूवमेंट जल्दी महसूस हुई थी, मुझे 4 मंथ से स्टार्ट हो गई थी मूवमेंट फील होना कि हाँ मूवमेंट हो रही है, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी लेट हुआ है। तो ये चीज़ भी मैंने सुनी हुई थी। तो मैंने आपसे वही शेयर किया जो मुझे हुए हैं सिम्टम्स, जो मैंने फुल प्रेगनेंसी महसूस किए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इससे ये कन्फर्म नहीं हो जाता है, जो मुझे सिम्टम्स हुए हैं वो अगर आपको भी होंगे तो आपको भी बेबी बॉय होगा। करूँगी भगवान से, जो भी मेरी प्रेग्नेंट वुमेन मेरे वीडियो देख रही हैं उनको जो चाहती हो भगवान उनको वो दे, उनकी जल्दी सी झोली भरे, उनको खुशियाँ दें, और जो भी हो हस्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, बस यही कामना है मेरी, आप सब खुश रहें। मिलते हैं नए किसी ब्लॉग या वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा।